खबर यह है कि नून लीग के कायद नवाज शरीफ की गिरफ्तारी का खतरा टल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की गिरफ्तारी से रोक दिया है। 24 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीजिया और इवेंट फील्ड में नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरखास्तों पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। दौरान समाअत नवाज शरीफ के वकील आजम नजीर तारण ने कहा कि एहतसाब अदालत ने भी दायमी वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए हैं। ट्रायल कोर्ट में इश्तिहारी थे, वहां भी वारंट मुअत्तल हो गए हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि नैब ने नवाज शरीफ की वतन वापसी पर हिफाजती जमानत देने पर कोई एतराज नहीं किया। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमारा यही मौकिफ है कि वो आते हैं तो हमें उनके आने पर कोई एतराज नहीं। अदालत ने हुक्म दिया कि नवाज शरीफ को वतन वापस आने पर गिरफ्तार ना किया जाए। अदालत ने नैब से तहरीरी जवाब भी तलब कर लिया। नवाज शरीफ की वापसी का खतरा टल गया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की गिरफ्तारी से रोक दिया है। 24 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीजिया और इवेंट फील्ड में नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरखास्तों पर समाअत हुई।